उत्तर प्रदेश के मेरठ में जलाभिषेक करने जा रहे करीब 15 से 20 कांवड़ियों का एक दल करंट की चपेट में आ गया है और एक कांवड़िए की मौके पर ही यहां पर मौत हो गई है। कांवड़ियों को ले जा रहे वाहन पर दरअसल जो डीजे सिस्टम लगा होता है, जिस पर गाने बज रहे होते हैं, वो एक हाई टेंशन तार से टकरा गया और अचानक से करंट की चपेट में वो पूरी जो गाड़ी है वो आ गई और उसके बाद कांवड़िए जो है करंट से गिरने लगे। करंट से झुलसे कुछ कांवड़ियों को स्थानीय गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया है, जिनमें से बाद में 4 की मौत हो गई। कई कांवड़ियों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। बाद में बिजली विभाग की लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने कई घंटे तक गांव के बाहर रोड को जाम कर दिया। तो यहां पर कुल 5 कांवड़िए जो है उनकी जान चली गई है। हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ये हादसा हुआ है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है और मेरठ के डीएम ने इस पर क्या जानकारी दी है। ये जी डीजे थी बड़े वाली कांवड़, वो 11,000 में टकरी, 11,000 का करंट सब बिखर गए। ये 7-8 के रुपये में कांवड़ी थे सर। क्या हुआ, क्या उनकी क्या स्थिति है? स्थिति अभी गंभीर ही है जी। ये सब लोग किस में सवार थे? ये जी ट्रैक्टर में, ट्रोले में, कार ऊपर खंभे का लगा तो गिर पड़ा। बड़े वाली कांवड़ का गिरा नहीं, टच होगी कांवड़ से। जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 केवी की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं।